हाय गाइस, मैं शॉन, तो आप देख रहे टेक्निकल शॉन। और स्टूडियो में आपको बताऊँ कैसे आप एमआई यूए 12 का नया कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी शॉमी डिवाइस में। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमआई यूए 12 का लेटेस्ट क्लोज बीटा रॉम में आपको न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिला। अभी आप डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर से स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको डायरेक्टली टॉगल्स में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी इजी और हैंडी होगा अगर आप स्मार्ट होम डिवाइस को यूज करते हैं Xiaomi का। तो अभी आप डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर से ही एक्सेस कर सकते हो सबको। तो कैसे आप ये नया कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी Xiaomi डिवाइस में जिसमें कि आपका MIUI 12 है। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको इंस्टॉल करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप देखिए तो इसके लिए आपको बस जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको चेक करना होगा कि आपका मतलब डिवाइस में पहले से ये फीचर है स्मार्ट होम का या नहीं है। तो इसके लिए आपको बस सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको सर्च करना है, बस थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है और आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट होम का ऑप्शन, जो कि आपका कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट में जाना है। उसके बाद आपको बस स्क्रॉल डाउन करते ही स्मार्ट होम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो बस पहले सर्च कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका स्मार्ट होम का जो ऑप्शन या अनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको स्मार्ट होम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप जैसे टैप कीजिएगा स्मार्ट होम में तो आपको नन और स्मार्ट मी होम का मतलब ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मी होम के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देख सकते हैं कि ऐसा आपको कुछ अगर डिसेबल रहेगा तो ऐसा क्लीन देखने को मिलेगा। और जैसे आप उसको मी होम में टैप कर दीजिएगा, मतलब मी होम को स्मार्ट होम को अनेबल कर दीजिएगा, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक नया टॉगल्स, जो कि आपको देख सकते हैं स्मार्ट होम डिवाइस। तो जैसे आप उसमें टैप कीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी मी या Xiaomi का स्मार्ट अप्लायंसेस या डिवाइसेस हैं तो आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल और हैंडी होगा। अगर आपके पास बल्ब या लाइट या लैम्प कुछ भी है तो काफ़ी हैंडी होने वाला है। सिक्योरिटी कैमरा तो ऑब्वियसली काफ़ी पर्सनल यूज़ के लिए मतलब काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि आपको इंडिया में ऑफिशियली कब आएगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इंडिया में ऑफिशियली काफ़ी कम फीचर आता है, जो कि आपको चाइना में क्लोज बीटा रॉम में देखने को मिलता है। तो जैसे आप टैप कीजिएगा कंट्रोल सेंटर से उस टॉगल को ऐड होम अप्लायंसेस, मतलब हम ऐड डिवाइसेस ऐड करिएगा जैसे, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा डिवाइस, जैसे कि आपका सिक्योरिटी कैमरा, रोबोट, वाईफाई राउटर, बल्ब और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, अडैप्टर। तो ऑब्वियसली इसको आप कैसे, बस सिंपली आपको सेटअप करना, जो कि आपको शायद बहुत ईजी पड़ेगा। ब्लूटूथ ऑन करना है और उस डिवाइस को ऑन करना, जो भी आप डिवाइस को पेयर करना चाहते हैं अपने फ़ोन के साथ। तो सिंपली बस लाइट, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है, प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, तो ऑब्वियसली सभी को आप मतलब इसमें डायरेक्टली सिंक कर सकते हैं और इससे ही आप डायरेक्टली ऑन ऑफ यूज़ मतलब पूरा सेटिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली स्मार्ट होम डिवाइस का जो ऑप्शन है, अगर आपके पास है डिवाइस तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो उसको अगर आप अनेबल करना चाहते हो तो अनेबल कर सकते हैं। ऑफिशियली कब आएगा इंडियन रॉम में ये कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इंडियन रॉम में काफ़ी कम फीचर आता है कोई भी MIUI 12 का। अगर आप MIUI 11 में भी बोलेगा MIUI 12 किसी में भी फीचर नहीं आता है। तो अगर आपको सिंपली इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन चाहिए, एक आपका मी होम हो गया और दूसरा आपका कंट्रोल UI सिस्टम UI कंट्रोल। तो आपको लेटेस्ट सिस्टम UI कंट्रोल इंस्टॉल करना है और आपको मी होम का लेटेस्ट वर्जन यूज मतलब इंस्टॉल करना है। तो पहले आप सिस्टम UI कंट्रोल पहले इंस्टॉल कर लीजिए, तो उसको आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो अराउंड 6 से 5 MB का है, जो कि काफ़ी छोटा एप्लीकेशन है। आप जैसे इंस्टॉल कीजिए तो आपका जो वॉल्यूम पैनल वाला जो प्रॉब्लम था वो भी फिक्स हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, देख लीजिए जैसे कि ये जो बग था इसमें, तो यही आपका लेटेस्ट वाला ऐप है जिसमें कि आपका पूरा प्रॉब्लम ज़्यादातर फिक्स हो जा रहा है। और इसमें आपका स्मार्ट होम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपको स्मार्ट होम अनेबल करना है अभी, तो आपको मी होम ऑब्वियसली डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड जैसे आप कर लीजिएगा फिर आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपका मी होम वाला जो मतलब ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली वो आप इंस्टॉल होने के लिए रोक जाइए। और अगर आपको अनेबल करना है, अगर आपका स्मार्ट डिवाइस है स्मार्ट होम डिवाइसेस, तो ये इसको इंस्टॉल कीजिए, ऐसे कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। बस आपका खाली 100-200 MB जाने वाला, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन मी होम काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है 100 MB का, तो आपका इतना मतलब फोकट में स्पेस यूज़ हो जाएगा। तो अगर आपको यूज़ करना है मतलब सही में इंस्टॉल मतलब यूज़ करना, तो ही इंस्टॉल कीजिए, ऐसे इंस्टॉल मत कीजिए, कोई काम का नहीं होगा ये वाला फीचर आपके लिए। तो जैसे आप इंस्टॉल कर दीजिए दोनों ऐप और स्मार्ट होम डिस्प्ले में जाके कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट में जाके जैसे टैप मतलब सेट कर दीजिएगा स्मार्ट होम में मी होम में, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई भी प्रॉब्लम नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।